कानपुर नगर से है। यूपी सरकार के अथक प्रयासों के दौरान एक तरफ जहां प्राथमिक विद्यालयों में सुधार होता नजर आ रहा है, वहीं भीतर गांव विकास खंड स्थित पब्लिक वाइप की टीम के द्वारा रियलिटी चेक करने के दौरान मोहलिया गांव स्थित बने प्राथमिक विद्यालय में रखरखाव को सामान्य दिखाई दिया, लेकिन वहीं विद्यालय में कुछ बच्चे सीटों पर बैठे नजर आए तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे जमीन पर बैठे नजर आए। वहीं विद्यालय के अंदर गंदगी देखने को मिली। वहीं स्टाफ से पूछने पर विद्यालय के अध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल 21 बच्चे हैं और 3 अध्यापकों की तैनाती है। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय के शौचालय में काफी गंदगी है, जिसके विषय में ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी दी गई है, उसके बावजूद इसे साफ कराने के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता है। वहीं बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनको अध्यापकों के द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, वहीं अध्यापकों के द्वारा उनको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी। अच्छा, यहाँ बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के सुविधाओं के लिए बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में यहाँ दी जा रही है? यहाँ खिलौने हैं, साइकिल हैं, मतलब चित्र हैं, घोड़े, उसी से मतलब उनको बच्चों को खिलाना है, मतलब उसको चित्र को बताना है कि। जैसे शौचालय या पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की सर ये नल तो लगा, इसमें पानी नहीं देता है, ये सब शुरू से पानी नहीं दिया ये नल ने। और ये पंखे हैं जो ये सब ये लगे हैं, बोर्ड और ये सब जब बना हुआ था तभी चोरी हो गई थी, तब अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। ये यहाँ रैंप थे, जब सुबह हम आए तो वो खड़े मिले हमको यहाँ पे, ये रैंप तो रवे हम दोनों लोग उठा के अंदर रखे हैं, तो लेकिन ये चीजें नहीं मिली कुछ सब। अच्छा, बच्चों के शौचालय के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे है? शौचालय के लिए सर है पे, लेकिन वो दरवाजे नहीं खुलते, हम भी नहीं खोल पाते, बच्चे कहाँ से खोल पाएंगे, उसको सुधराया भी नहीं सुधरा, दरवाजा कड़ा लग रहा है। कानपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।